फगवाड़ा विखे युवा मोर्चा वालों पंजाब सरकार का पुतला फूकिया। कहा आम आदमी पार्टी सरकार चलाने दे विच रही पूरी तरह फेल। फगवाड़ा विखे अज भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे दिशा निर्देशों अनुसार पंजाब सरकार दे खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। पंजाब सरकार का पुतला फूकिया गया। इस मौके पर युवा मोर्चा प्रधान सोनू रावलपिंडी, गगन सोनी, राजीव पावा, परमजीत चाचोकी, अवतार सिंह मंड अते युवा मोर्चा के सारे मैंबर मौजूद रहे। इस मौके गलबात करदिआं अवतार सिंह मंड ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार नूं 2.5 महीने हो गए ने। इन्हां 2.5 महीनों में हर रोज़ कतलोगारत दीआं वारदातां वधदीआं ही जा रही ने। लॉ एंड ऑर्डर दीआं बुरी तरह नाल धज्जियां उड़ाईआं जा रही ने। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के दिशा निर्देशों के अनुसार फगवाड़ा के अंदर युवा मोर्चा प्रधान सोनू रावलपिंडी, उन्होंने साथी गगन सोनी जी, परमजीत सिंह चाचोकी जी, टिब्बी साहब और होर सारे साथी, साडे जनरल सैकटरी पावा साहब और सारे ही साथियों लैके अच्छ बड़ी बड़ी तादाद लैके अच्छ एक पुतला साड़िया गया। और ये पुतला जोड़ा पंजाब सरकार की जी नाकामी आनू लैके साड़िया गया, क्योंकि जद ही ये 2.5 महीने की सरकार बनी आ और जिन्हें दिन आनू मल्टीले टू करके देख लीए तो उन्हें कतल हो गया। पंजाब के अंदर ये कतलोगार जद ही इस सूबे के अंदर बधी आ और उदों तो लैके हुण तक जिहड़ा लोगों के विश्वास आ ये सरकार के प्रति उठ गया आ। और इत्थे अज लोग कोई भी रहना नहीं चाहता, ना कोई पैसा इनवैसट करना चाहता और जिहड़े इत्थों दे वासी आ उह इत्थों प्लान करके विदेशों के जा रहे आ। सो ये बहुत बड़ी सूबे नूं मैं समझदा सैटबैक हैगा आ और सरकार नूं इहदे बारे गंभीरता नाल सोचना चाहीदा, नहीं तां आउण वाले दिनां दे विच इदां दे प्रदर्शन जिहड़े आ होर पंजाब अंदर उभर होणगे और इन्हां हालातों नूं काबू करन दे विच फिर एक दिन जिहड़ी आ पंजाब सरकार असफल हो जाऊगी। सो अज बड़ा बड़ा इन्होंने उपराला करके युवा मोर्चा ने और उन्होंने साथियों ने अच्छ पुतला साड़िया है और इदा ही आने वाले दिनों भी ये मैं सबका जतनशील हाँ। इस संबंधी गलबात करदिआं गगन सोनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार चलाउण विच पूरी तरह फेल रही है। जो पंजाब सरकार का पुतला साड़िया गया युवा मोर्चा कपूरथला वालों, तो जो सरकार दीआं पंजाब सरकार दीआं नाकामियां आ, पंजाब सूबा जिहड़ा खुशहाल सूबा सी जदों दी इह आपदी सरकार आई आ ते खुशहाल वाली तां कोई गल ही नहीं रह गई आ, उहदे संबंध दे विच सरकार दा पुतला साड़िया। उत्ते ही गलबात करदे आ राजीव पावा ने कहा कि पंजाब सरकार ने शराब सस्ती करके ये साबित किया है कि पंजाब सरकार नशियां नूं बढ़ावा दे रही है। कीता है जिहड़ा भारतीय जनता युवा मोर्चा वल्लों ये प्रोटेस्ट सारे पंजाब च कीता जा रहा है, जिहड़ा कि पंजाब दे विच जदों दी आम आदमी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद रोज़ ही बदअमनी कतल हो रहे हैं, वड्डी वड्डी हस्तियां दे कतल हो रहे हैं और जिहदे विच जिस तरह अमृतसर मोहाली दे विच भी हुणे कल परसों काम होया गोली चली उहदे विच आम आदमी पार्टी के पार्षद का हाथ किया गया। इस तो लगता है सब इन्हां दा प्रयोजित काम कर रहा चल रहा पंजाब नूं फिर उसी तरह जो 80 वेले का बुरा दौर सी उह ना देखना पवे। उस दे विच उस लई भारतीय जनता पार्टी सारे पंजाब विच इस तरह प्रोटेस्ट करती रहेगी और भगवंत मान सरकार नूं जगाएगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर से नत्थ पावे और इस तरह के जिहड़े गुंडा अंसर है उन्होंने नत्थ पावे। धन्यवाद। गलबात करदे आ परमजीत चाचोकी मंडल प्रधान ने कहा पंजाब सरकार लोगों के नाल जो वादे किए उन्होंने बुरी तरह नाल फेल होई है अते लोगों नाल झूठे वादे करन करके उन्हों का अज पुतला फूकिया गया है। जनता पार्टी वालों पूरे पंजाब दे विच रोस प्रदर्शन किया गया जो अज यूथ की ड्यूटी लगी है सारे दे और नाल मंडल लग के अज सरकार नूं जगाउण दे लई जो कतलेआम रोज़ गोलियां लुट्टां खोहां लॉ एंड आर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं और सरकार के खिलाफ जिहड़ा अज असीं यूथ नूं नाल लैके जिहड़ा रोस प्रदर्शन कर रहे हैं और यह पूरे पंजाब दे विच जिहड़ा कीता जाणा और यह सरकार नूं जगाउण दे लई जिहड़ा कीता जा रहा कि जिहड़ा भी ये हजे 3 महीने की इन्हें सरकार बनी होए और जिन्ने कि इतने VIP बड़े बड़े कतल हो गए हैं वो बहुत ही असीं उहदी बहुत निंदा करते हैं और चेतावनी दिंदे हां कि सरकार इहो जिहे गैंगस्टरां नूं जां होरां नूं नत्थ पाउण तां कि जिहड़ा पंजाब दा माहौल आ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 84 ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਠਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰੀਏ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
फगवाड़ा दे विच आशू दी हट्टी दा खुला चैलेंज जिथों तुहानूं मिलणगे शहर विच सब तो सस्ते रेट ते सूट लहंगे साड़ियां ते प्लाजो। आशू दी हट्टी दा एक ही वादा तुहानूं मिलणगे वधिया क्वालिटी दे कपड़े पर रेट नहीं होवेगा ज्यादा। एक बार विजिट जरूर करो आशू दी हट्टी ओपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा।